बातें करेंगे। लोग सिर्फ बातें करते हैं, अरे मैं करके दिखाऊंगा और एक दिन मंगलू की मम्मी को कार में घुमाऊंगा, कार में घुमाऊंगा। दोस्त मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक हकीकत सुनाता हूँ, कहानी नहीं कह सकता, हकीकत है ये। यस, इन शब्दों को पकड़िए, इट विल नेवर हैपन अगेन। यस, कमिटमेंट देखिए कैसी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर नाम ब्रैड हॉक, 1998 में अपना कैरियर शुरू किया, 2014 में संन्यास ले लिया। यस, 16-17 साल क्रिकेट खेला। 2007 में सचिन, जो इसको कि क्रिकेट का भगवान माना जाता है, जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, 2007 में ब्रैड हॉक का सामना सचिन से हुआ। मन में पता नहीं कौन सा स्वाद, कौन सा सपना लेकर निकला, कौन सी पूजा थी जो आज उसकी प्रफुल्लित हुई, उसने दोस्त सचिन की विकेट ले ली। सचिन की विकेट ले ली, मैच फिनिश होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉक वो गेंद लेकर सचिन के पास जाकर कहता है, सर ऑटोग्राफ प्लीज। जो खिलाड़ी दूसरे को सर कह के बुला रहा है, वो आप आइडिया लगा सकते हैं वो खुद सामने वाला कितना बड़ा होगा। कहता ऑटोग्राफ प्लीज। उसी गेंद को सचिन ने पकड़ा, पता नहीं मन में क्या सोचा होगा, तूने आउट किया यार, तूने मेरी विकेट ले ली। पेन निकाला और उसके ऊपर लिखा, इट विल नेवर हैपन अगेन ब्रैड हॉक। ब्रैड हॉक आज पता नहीं कौन से पुण्य कर्म तेरे जाग गए, तूने विकेट ले ली है, लेकिन आगे का मैं वादा करता हूं तेरे साथ पूरी जिंदगी तरस जाएगा, लेकिन सचिन की कभी विकेट नहीं ले पाएगा। और दोस्त इतिहास ये कहता है कि 2007 से लेकर 2014 तक सचिन और ब्रैड हॉक का सामना 21 बार हुआ, टेस्ट सीरीज, वनडे, 2020 में 21 बार सामना हुआ, 21 टाइम। लेकिन ब्रैड हॉक दोबारा सचिन की विकेट नहीं ले पाया। दोस्त धरती पुत्र हो तो ऐसा हो, क्रिकेटर कैप्टन तो बहुत देखे, लेकिन भारत रत्न का पुरस्कार इसलिए बनता है क्योंकि दोस्त बोलना बड़ा आसान है कि ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन लिख के देने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। कमिटमेंट का मतलब पता क्या होता है कि जो मैंने बोला है मैं करूंगा। मैं अगर पोता हूं अपने दादा का, मैं अगर पोता हूं अपने दादा का, बेटा हूं अपने बाप का, पति हूं अपनी पत्नी का, भाई हूं अपनी बहन का, बाप हूं अपने बच्चों का, तो आज से मैं शब्द लेता हूं कि जो मैंने बोला है मैं करके दिखाऊंगा। इसी का नाम है, किसी को कमिटमेंट करते हैं। दोस्त क्यों ऑर्डर देना पड़ता है, ये कर लो, प्लान कर लो, फॉलो कर लो, क्यों करना पड़ता है? हाँ, करना तो जानवरों को पड़ता है, इंसानों को नहीं। आज से कसम खा लो कि मैं कोई भेड़ नहीं जिसे गडरिया हाके, मैं एक शेर हूं, मैं एम्बायर का शेर हूं, अरे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शेर हूं, मैं एक शेर हूं। मैं भेड़ बकरी की तरह खाने पीने वै 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 करने से इनकार कर रहा हूं, क्योंकि मुझ में सफलता की भूख है, सुख शांति की प्यास है। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया, मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित नहीं हो रही है। मैं एक शेर हूं, मैं विजेता हूं और विजेता की तरह जिंदगी जीकर जाऊंगा। मैं विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, सर मैं क्या करूं, अब कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा, ये मूर्खों के शब्द हैं। और आज मुझे अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ने से पहले मैं अपने शब्द को से मुझसे नहीं होगा ऐसे शब्दों को बार बार के फेंकता हूं। मैं प्याज के उस पौधे की तरह नहीं हूं जो 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है, बल्कि मैं उस पेड़ की तरह महान बनूंगा, उस पेड़ की तरह हूं जिसको खड़ा होने में 100 साल लगते हैं और वृक्षों का राजा जैतून बन जाता है। मैं महान नेटवर्कर बनकर दुनिया को यह साबित कर दूंगा कि मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं एक महान इंसान हूं।